अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे। एनजे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले मैच की, एशिया कप 2023 की। तो बांग्लादेश ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका की जानिब से इनिंग का आगाज़ निशान का और पूरा रत्ने ने किया। श्रीलंका की पहली विकेट 34 रन पर गिरी, उसके बाद दूसरी विकेट 108 रन पर गिरी और फिर उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू रहा और तकरीबन श्रीलंका ने बांग्लादेश को 257 रन का टारगेट दिया। देखें, होता यह है कि जब आप अच्छा खेल रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी आपका टारगेट इतना बड़ा ना हो तो ये थोड़ी परेशानी की बात होती है, क्योंकि आप थोड़ा स्लो खेल रहे होते हैं। और हालांकि समारा विक्रमा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 93 रन बनाए, लेकिन ऊपर के प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत स्लो खेलते चले गए। पार्टनरशिप लगी, अच्छी बात थी, लेकिन जब इतना अच्छा स्कोर हो जाए, यानी कि आपके दो से तीन प्लेयर फॉर्म में हो और वो 50 के प्लस स्कोर बनाएं, तो कम से कम आपका टारगेट 270-280 प्लस होना चाहिए, क्योंकि निशानका ने 40 रन बनाए, उसके बाद आपके कुशाल मेंडस ने 50 रन बनाए और फिर 93 रन इन्होंने बनाए समारा विक्रमा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग के लिए, तो तकरीबन 200 रन तो यही हो जाते हैं। तो इसके अलावा फिर बात यह है कि दूसरे प्लेयर्स को भी थोड़ा 20-30 रन तो लाजमी बनाने हैं, तभी आप इतने बड़े टूर्नामेंट में मैच विनर टीम साबित होगी। सिर्फ दो तीन प्लेयर्स पे आप नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो सबको करना पड़ेगा। और आई थिंक श्रीलंका ने ज़्यादा चांस भी इस वजह से नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि बांग्लादेश के लिए 250 प्लस स्कोर ज़्यादा है, तो बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि क्या वो 250 प्लस स्कोर भी चेज़ नहीं कर सके। 257 रन इतना बड़ा टारगेट नहीं था और उन्होंने अफगानिस्तान को भी अच्छे तरीके से हराया था, बड़ा टारगेट दिया था, तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप 250 प्लस भी वनडे में चेज़ नहीं कर सकते तो फिर आप वनडे की टीम ही नहीं है। देश की जानिब से विकेट टेकर हसन महमूद, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और तस्कीन अहमद, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और शरीफ अल इस्लाम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब वापस आए थे बांग्लादेश की बैटिंग की तरफ, तो बांग्लादेश की बैटिंग बार बार डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेयर उनका कोई अच्छा खेलता है और वो भी दिन रखे हुए हैं, क्या पता नहीं, जब कोई नहीं चलता तो कोई ना कोई चल जाता है। कोई प्लेयर नहीं है बांग्लादेश के पास जो फॉर्म में हो, जो हर मैच में परफॉर्मेंस दे, कोई ना कोई एक आध बंदा आके खड़ा होकर टीम को संभाल के चला जाता है, वो भी सिर्फ इज्जत रखता है, मैच नहीं जिताता। मैच जिताया सिर्फ अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो दो प्लेयर खड़े हुए, शांतू और मेहंदी हसन मिराज ने, जिनकी पार्टनरशिप चली, उसके बाद दोबारा वो पार्टनरशिपें देखने को नहीं मिली। कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप, 50-50 प्लस की पार्टनरशिपें बनाएं ताकि आप मैच जीत सकें, और जब तक आप पार्टनरशिपें नहीं बनाएंगे और कोई एक आध दो तीन प्लेयर अच्छी इनिंग्स नहीं खेलेंगे 50 प्लस की इनिंग्स, तो तब तक आप नहीं जीत सकते। और तन्हा तन्हा वो तोहीद खड़ा रहा अकेला, 82-92 रन बनाए उसने और वो आउट हो गया एंड में। टारगेट एंड तक आप जीत सकते थे, एंड तक मैच आपके हाथ में था, सिर्फ आपने अच्छा नहीं खेला, आपके बैट्समैनों ने पार्टनरशिप नहीं बनाई, आप लोगों ने बड़ी इनिंग नहीं खेली और जो खड़ा हुआ था उसका भी साथ नहीं दिया कि कम से कम उसको तो एक हैंड पे लेके चलें, उसको तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस दें कि वही इनिंग को लेके चल ले। विकेट दूसरी तरफ से गिरती रही, वो तन्हा जोर लगाता रहा और फिर एंड द एंड वो सब आउट होके चले गए और आप लोग बुरी तरह से मैच हार गए। तो ऐसा कब तक करेंगे आप लोग? आप लोगों को बार बार समझाया जाता है कि आप लोग आगे बढ़ें, आपसे पीछे आने वाली टीमें आपसे आगे होती जा रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं और आप लोगों का फ्यूचर बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों का फ्यूचर है क्या, क्योंकि अनकरीब शाकिबुल हसन और मुशफिकुर रहीम भी आप लोगों को छोड़ देंगे, उनकी भी उम्रें बहुत हो गई हैं, वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा? तो कोई प्लेयर ऐसा नहीं है, लतन दास हालांकि वो भी अच्छा खेलते हैं मगर पता नहीं कब खेलेंगे, वही भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो परफॉर्मेंस दे, रेगुलरली परफॉर्मेंस दे कि भाई ये प्लेयर अच्छा है और ये इससे उम्मीद की जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बांग्लादेश की जानिब से टॉप स्कोरर रहे हैं, तोहीद ने 82 रन बनाए, मुशफिकुर रहीम ने 29 रन बनाए और मेहंदी हसन मिराज ने 28 रन बनाए।
और श्रीलंका की जानिब से विकेट टेकर रहे शानाका, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पथिराना ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और थिक्षाना ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। देखें, इस मैच में ज़्यादा बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश बार बार वही हरकतें कर रहा है, मैच के नज़दीक आके हार जाते हैं और कोई उम्मीद उनसे है नहीं। कुछ बातें क्या उनको बोलें नहीं बोलें समझ में नहीं आता उनसे। मैं तो बोलता हूँ अपने मुल्क के फैंस इतने मायूस हो गए होंगे कि वो मैच देखते ही नहीं होंगे, वो टीवी बंद करके चले जाते होंगे, उनको कोई उम्मीद ही नहीं होगी कि भाई ये इनसे भी जीत सकते हैं। कब तक आप उनका दिल तोड़ते रहेंगे? कुछ उनके लिए भी सोचें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।